सिनेमा हमेशा ही समाज का आईना रहा है और जब ऐसी घटनाओं पर फिल्में बनती हैं जो समाज को एक क्रूशियल मैसेज दें, ऐसी ही घटनाओं में शुमार है एसिड अटैक और उनके सर्वाइवर की कहानियां। एज यू नो, फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और सोशल मीडिया पे इसे बहुत पसंद भी किया जा रहा है। यह फिल्म एसिड सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी से प्रेरित है। इसमें उनके जीवन की सच्ची घटना को दिखाया गया है कि किस तरह से 2005 में एक दर्दनाक घटना घटित हुई उनके साथ, जिसमें कुछ लोगों ने उनके ऊपर तेजाब फेंककर उनके पूरे चेहरे को जला दिया था, उनके हाथों को जला दिया था और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, किस तरह से वो न्याय के लिए लड़ी, आरोपियों को सजा दिलवाई और ऐसे अटैक के बाद किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा, इस फिल्म में उनके जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। छपाक वास्तव में एक ऐसी फिल्म है जो समाज को सकारात्मक तौर पर प्रेरित करती है, उम्मीद और आंतरिक सुंदरता को दर्शाती है। जहां एक लड़की के पूरे चेहरे को जला दिया जाता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई भी उसकी मन की सुंदरता को खत्म नहीं कर सकता है, वो लड़ती है अपने हक के लिए। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार एंड इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दीपिका पादुकोण ने। एज अ प्रोड्यूसर ये उनकी फर्स्ट फिल्म है। इसी कहानी को दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर उतार रही है। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होगी। लक्ष्मी अग्रवाल के अलावा इसमें चार और एसिड सर्वाइवर की कहानी को दिखाया गया है जो कि दीपिका पादुकोण के साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। रितु रैनी, जिनके ऊपर उनके ही कुछ रिश्तेदारों ने तेजाब डलवाया था, कुंती सोनी, जिनके खुद के पति ने उनके ऊपर तेजाब फेंका था, इसी तरह से जीतू शर्मा के ऊपर भी कुछ मंचलों ने तेजाब फेंका था, पारिवारिक दुश्मनी के चलते बाला प्रजापति के ऊपर भी तेजाब फेंकवाया गया था। इन सभी की कहानियों को इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में दीपिका के साथ काम कर रहे हैं विक्रांत मैसी, जिनको आपने काफी एड में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा और कुछ मूवीज में भी उनको देखा होगा। वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। फिल्म आपको इमोशनली काफी टच करेगी और हो सकता है आप अपने आंसू भी ना रोक पाए, क्योंकि इस फिल्म में एसिड सर्वाइवर के जिंदगी के हर पहलू को दिखाया गया है कि किस तरह से बिना गलती के भी उन्हें अपना मुंह छिपा के चलना पड़ता है। कुछ ही प्रवृत्ति के लोग उन्हें बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उन्हें नौकरी नहीं दी जाती, किस किस तरह की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। दिल से सैल्यूट है लक्ष्मी अग्रवाल के साहस और हिम्मत को, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फिल्म जरूर देखिए आइएगा, बिकॉज इस तरह की फिल्में समाज को एक मैसेज देती हैं, समाज में सुधार का काम करती हैं, लाभ लेकर आती हैं। अगर 10% लोग भी इस फिल्म को देखकर सुधर पाते हैं तो ये किसी रिवॉर्ड या अवार्ड से कम नहीं है। आज के लिए इतना ही। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। टिल देन बाय बाय।